पहले तो वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कह रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे। वो भी तो सनातन धर्मी थे, जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलाद ही हैं, अगर वो कोरोना कह रहे हैं तो कोरोना की औलाद को भी तो हैं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ज़्यादा प्रचंड धूप आती है, पानी आता है, तो जैसे छाता साथ देता है, जब जब दुख की घड़ी आती है और जीवन में हमको जब कष्ट महसूस होता है तब तक सनातन धर्म हमारे साथ में खड़ा रहता है। सजा क्या होनी चाहिए आपके? सजा बस हम क्या सजा देने वाले हैं, या हम बोल भी नहीं सकते कि सजा के लिए, कोई हम इतनी बड़ी गाली पर तो है नहीं कि हम सजा दे दें। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि बाबा उनको सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान दे, और अगर उनको राजसत्ता दी है, उनको वैभव दिया है, तो सत्ता और वैभव का सदुपयोग करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। पंडित जी, इंडिया और भारत को लेकर क्या कहेंगे? देश में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि भारत या इंडिया। तो भारत है ही, पूर्व से ही है, आज नहीं, हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में लोगों ने धीरे 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 उसको जब अंग्रेजों के समय से चला इंडियन उन लोगों ने कहना प्रारंभ करा, तो एक शब्द का संबोधन देकर पुकार लेते थे इंडियन जरा, तो ये एक अलग, जब भारत कहते थे तो उनको भी तो शर्मिंदा महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता, एक बुलंदता है, कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है, किसका नाम भारत है और मेरा नाम भारत है। पूर्व में भी जो चुनाव होते थे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ते थे, लेकिन आजकल देखा जाता है कि सनातन को आगे करके हर पार्टी जो है अपना चुनावी झंडा लेके चल रही है। जी, सनातन धर्म को लेकर चलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी बच्चों की परिभाषाएं चेंज हो रही है, हमारे बच्चों का रहन सहन चेंज हो रहा है, उसको बदलना जरूरी है। आज आपको अगर फादर फादर कहकर पुकारेंगे और आपको सम्मान ना देंगे, केवल आपको आपके चरण ना छूकर ऐसे ही निकल जाएंगे, तो हमको आपको भी बुरा लगेगा और हमको भी बुरा लगेगा। इसलिए सनातन धर्म संस्कार भी देती है और एक प्रेरणा भी प्रदान करती है, जरूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।